क्लास 9 के भैया बहनों, ये वीडियो नंबर 2 है मैथ सब्जेक्ट। इसमें पहले वीडियो में धन पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड कुछ रूल्स साधारण से थे। अब धन पूर्णांक संख्याएं जोड़ने पर, योग पर निम्न नियमों का पालन करें। पहला है संवरक नियम। संवरक नियम में क्या है, जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें तीसरा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे 4 × 5 आप योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 9। 9 क्या है, एक तीसरा धन पूर्णांक है। 4 और 5 में से कोई धन पूर्णांक नहीं है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो तीसरा धन पूर्णांक आएगा, वो 9। 4 × 5 = 9। यहाँ पर 4 + 5 ए की जगह आप ओ लीजिए, बी की जगह 5 दीजिए, 4 + 5 = 9। यह एक धन पूर्णांक है। फिर दूसरा रूल है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, विनिमय माने विनिमय, लेन देन, आदान प्रदान। यानी यहां हम संख्याओं का आदान प्रदान नहीं, लेफ्ट साइड में जो संख्या रहेगी उसी का हम क्रम चेंज करेंगे, तो उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नियम यही कहता है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यह दो धन पूर्णांक को ए और बी को जोड़ा जाता है तो उनका क्रम बदलने पर भी उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, योग पर सदैव एक ही रहता है। जैसे ए धन बी बराबर बी धन ए, यहाँ ए बराबर 4, बी बराबर 5 लिया गया है, तो ए प्लस बी लेफ्ट साइड में है, ए प्लस बी बराबर 4 × 5 = 9। राइट साइड में बी धन ए है तो बी धन ए बराबर 4 × 5, बी धन ए बराबर 4 × 5 = 9। इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं, अर्थात संख्याओं का क्रम स्थान परिवर्तन से उनकी योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योग के क्रम विनिमय नियम का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, देखिए एक ही संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक के धन पूर्णांक दिखाए गए हैं और ए बराबर हमने जो एग्जाम्पल में दिया है उन्हीं संख्याओं को इस पर रिप्रेजेंट किया है, ए बराबर 4, बी बराबर 5। तो सबसे पहले हम ए धन बी करेंगे तो 0 से 4, फिर 4 से 5 कहाँ चले गए, 4 से 5 गए तो 9, यानी 4 और 5 का योगफल 9 आता है, 4 × 5 = 9। फिर बी धन ए करेंगे तो बी बराबर आपका 5 है, तो पहले हम 0 से 5 कर जाएंगे और फिर 5 से a = 4 है तो फिर 5 से क्रम 4 अंक आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 0 से 5 फिर 5 से क्रम 4 अंक आगे बढ़ने पर हमको 9 प्राप्त होता है, तो 5 × 4 = 9। यहाँ पर नीचे टोटल योग दिखाया गया है, 4 × 5 = 9। ये योग का क्रम विनिमय नियम का संख्या रेखा पर योग बन। तीसरा रूल है योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 धन पूर्णांक होते हैं, यह भी तीनों धन पूर्णांकों का क्रम बदल दिया जाता है तो योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए ये 3 धन पूर्णांक ए बी सी, दोनों ए और बी के योग में सी जोड़ने पर, ए और बी के योग में सी जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो बी और सी के योग में ए जोड़ने पर प्राप्त होता है। आप देखिए ए और बी का योग में सी जोड़ा गया है, ए और ए प्लस बी सभी संख्याएं प्लस में है, लेकिन ए और बी का योग आपको डिफर करना, अलग करना है, तो ए धन बी विश्वास ब्रैकेट में निकाल दिया गया है, ए बी के ए और बी के योग में सी जोड़ा गया है और वही योग पर हमको बी धन सी के योग में ए जोड़ने पर प्राप्त होता है, यहाँ ए धन ब्रैकेट में बी प्लस। एग्जाम्पल के तौर पर छोटी छोटी संख्याओं का लेकर के सत्यापन किया गया है, माना ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी
बराबर ए बराबर दो, बी बराबर तीन, दो धन तीन धन सी बराबर चार है, तो दो और तीन का योग पर पांच प्लस चार बराबर नौ। अब बाएं साइड दाया साइड में बी धन सी के योग में ए जोड़ा गया है, तो ए धन ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू दो धन ब्रैकेट में तीन धन चार, तीन धन चार बराबर सात हुआ, और दो दो प्लस सात बराबर नौ। इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी क्रम बदल दिया गया, तीन संख्याएं हैं क्रम बदल दिया गया, तुम्हें योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। योग के साचर नियम का संख्या रेखा पर निरूपण, पहले हम बी प्लस सी का लेंगे, ए बराबर दो बी बराबर तीन, देखिए संख्या लेना जीरो से दस तक की संख्याओं का निरूपण है, यहाँ पर जीरो से दो पर जाएंगे क्योंकि ए बराबर दो बी बराबर तीन है, और आपका यहाँ पर ए प्लस बी ए और बी के निरूपण में सी जोड़ा गया है, तो ए बराबर दो पर जीरो से दो फिर बी बराबर तीन है, तो दो से क्रमशः तीन अंक आगे जाएंगे, तीन एक पांच दो तीन तीन अंक गए, तो आप पांच पे पहुंच गए, और इसका टोटल अब यहाँ पांच से आगे हम चार अंक आगे जाएंगे, एक दो तीन चार, नौ पर पहुंच गए, तो दो धन तीन यहाँ पर योग पर है प्लस चार ये योग कर गए नौ पर पहुंच गए। अब इसी में बी प्लस सी के योग पर में नंबर वन बता दें बी प्लस सी के योग में ए ए को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले हम ए को दिखाएंगे अकेले हैं, जीरो से आप यहाँ दो पर आएंगे ए बराबर दो है, फिर बी और सी को एक साथ जोड़ेंगे, तीन डिजिट आगे जाना है एक दो तीन बी का मान तीन है, तो दो से हम तीन अंक आगे बढ़ेंगे प्लस सी का मान पांच चार है, तो एक दो तीन चार ये सी वाला संख्या नीचे बड़ा हद दीक्षा आ जाएगी, ये आपका तीन प्लस पांच, तो ये दोनों आपका तीन प्लस पांच ये संपूर्ण हो गया बी और सी का तीन प्लस पांच, और ये दो जो दिया हुआ ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर नौ, ये संख्या रेखा पर निरूपण है, आचर पर संख्या रेखा पर साचर नियम का निरूपण है, इसका तर्पण करता है। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। कुछ निकाल दबाएगा, नोट कर लेगा।